हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इलिजिबल हो और इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया पोस्ट में आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है उसके अंतर्गत आपको एग्जीक्यूटिव के पद के लिए बम्पर नंबर की सीट पर वैकेंसी आई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई का डेट क्या होगा। 15 मार्च से ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 5 अप्रैल होने वाला है। आपको 5 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना है, 15 मार्च से स्टार्ट है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे बताते चलूँ कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। जनरल कैंडिडेट को दिया गया है 21 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 12 सीट, एससी के लिए 7 एंड एसटी के लिए आपका 3 सीट्स है। ओवरऑल सीट्स की बात करें तो 47 सीट यानी 47 सीट के लिए वैकेंसी है। अब देख लेते हैं कि फॉर्म की फ़ी क्या रखी गई है। एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से 150 रुपीज़ लिया जाएगा और अदर जो भी कैंडिडेट है इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट, आपका 750 रुपीज़ फॉर्म फ़ी लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग की एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस डेट के अकॉर्डिंग एज का कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको पता है कि अपर एज का जो लिमिट होता है उसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी को मिलता है रिलैक्सेशन 3 इयर्स का और एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। आई होप एज का लिमिट आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगर बात करूँ कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में कि हायर एजुकेशन वाले बच्चों को मतलब पहला प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। जिन्होंने MBA कर रखा होगा सेल्स या मार्केटिंग से, उनको हाईली प्रिफर किया जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 स्टेज से गुजरने के बाद सिलेक्शन होगा। देखा है आपने कि 47 सीट है और वहाँ पर लिखा गया है क्लियरली कि जो भी आपका फॉर्म आपका अप्लाई होगा, कितना नंबर ऑफ फॉर्म, कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कोई एक चीज़ होगा। देखिए, पहला चीज़ तो ये बोला गया कि आपका मार्क्स जो रहेगा ग्रेजुएशन का उसके बेसिस पर, साथ ही साथ MBA सेल्स या मार्केटिंग का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे। मान लीजिए कम बच्चों ने अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन में जो आपका नंबर है, परसेंटेज है, उसके आधार पे मेरिट बनेगा। और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो GD हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, या फिर केवल इंटरव्यू करा के भी आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये क्लियर होगा आपका कब, जब फॉर्म अप्लाई टोटल हो जाएगा, फिर ऑफिशियली आपको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे तो समझ गए कि नंबर के बेसिस पे हो जाएगा, GD यानी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू, या फिर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। आगे देखेंगे बाद में नोटिस से कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बट हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। देखिए, आपका जो ऑनलाइन पेपर होता है ना उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, समय रहता है 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग जो होता है फ्रेंड्स 1/4 का हो जाता है, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा। अब अगर विषय वाइज बात करूँ तो 5 विषय से इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 नंबर के, रीजनिंग से 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर का और कंप्यूटर नॉलेज से 20 मार्क्स का। ठीक है, दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न।
तो एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। फ्रेंड्स, इनिशियली आपको 1 ईयर के प्रोविजन पे आपका ज्वाइनिंग होता है। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, क्या आपको जॉब से हटा दिया जाएगा? जी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक प्रदर्शन किया है अपने काम में तो उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है अगले 1 साल के लिए। मतलब 1 साल अच्छा वर्क किया तो अगला 1 साल यानी 2 साल, फिर वैसे करके 3 साल। ठीक है, आई होप प्रोबेशन पीरियड आप समझ गए होंगे। अब रही बात की सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी जो होती है आपकी 30,000 रुपये पर महीने की होती है शुरुआत से, बाद में इसमें कुछ पॉइंट्स अलाउंसेस भी मिलता है। आई होप कि इसके रिगार्डिंग आप सारा डिटेल समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है, मन में कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।